कहने लगा, लगता है ये गुजरता वक्त सरमा की गंभीर कोहर और सर्दी में ठिठरते अंदेशों में हमारी हालत फटे पुराने पार्चो जात और दबी घुटी नाकाम जिंदगी से भी बदतर करना चाहता है। मुझे महसूस होता है जैसे हालात और तकदीर के नविश्ते हमारे लिए बदबख्तियों के शहर दश्ते फुरकत की बेकसी को आबाद करने पर तुल गए हैं। अगर सुल्तान मलिक शाह सुलजूकी का कोई लश्कर हमारी तरफ आन निकला है तो फिर मैं यकीन से कह सकता हूँ घोर अमावस भरे तूफान हमारे ख्वाबों के साहिलों को मौत के जजीरों की तरफ धकेल देंगे। और जिस सालार का तुमने जिक्र किया है वो मलिक शाह सुलजोकी का ऐसा सालार है जिसके साथ मैं दो बार टकरा चुका हूँ। दोनों बार मुझे उसके हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त उठाना पड़ी। वो सुल्तान का ऐसा सालार है जो हसीन सपनों की ताबीर को फना की मरहूम तहरीरों और तूफान के दोष पर समुन्दर की वहशतनाक शोर में तब्दील कर सकता है, जो गर्म दोपहर के वीरान सहराओं में उठती खौफनाक सुनसानियों में अपने दुश्मन के लिए हर समत एक शराब, एक बेकार तमन्ना और अधूरी ख्वाहिशों की परछाइयां फैला देने का हुनर जानता है। अगर हमारे मुकद्दर में सुलगती इंतहाई जीस्त और बदबख्ती की जंबीलों में उलझना ही लिखा है तो ठीक है, मैं मलिक शाह सुलजोकी के सालार के पास जाता हूँ, उसकी मर्जी जो चाहे मेरे साथ सलूक करे। इसके साथ ही तकीन अपने चंद मुसल्ला सवारों के साथ उस समत गया जहाँ अरसलान ने अपने लश्कर को रोक रखा था, और अपने लश्कर के सामने अरसलान और बदरान दोनों अपने घोड़ों से उतरकर खड़े हुए थे। जो सालार अरसलान के लश्कर की तरफ गया था दूर से उसने इशारा करते हुए तकीन को अरसलान के मुतालिक बताया। तकीन आगे बढ़ा, कमर से बंधी खंजर और तलवार की पेटी उसने खोलकर बाएं कंधे पर रखी, कमर पर बंधा पटका भी खोला और दाएं शाने पर डाल लिया। ये एक तरह से तुर्कों के हां किसी के लिए फरमाबरदारी और इताअत का इजहार था। फिर दोनों चीजें उसने आगे बढ़कर अरसलान के कदमों में डाल दी, गर्दन झुका ली और जमीन की तरफ देखते हुए वो कहने लगा, सुल्तान मलिक शाह सुलजूकी के अजीम सालार, मैं तकीन हूँ। मैं जानता हूँ आपकी निगाहों में मैं एक मूर्ख बदतमीज इंसान हूँ जो नफरत की आमरियत में शैतनत, बेरंग और जमीर की कालक बखेरता रहा हूँ। दरअसल मैं काशगर से निकलकर आप लोगों पर एक तारीक उफक पर उम्मीद की आखिरी किरण यानी समरकंद का रुख कर रहा था, मगर मैं नहीं जानता था कि कोई हम पर हमलावर होकर हमारे मुजाफ जिंदगी को तारीख व संगलाख पत्थर बना के रख देगा। अमीर अरसलान, कुछ बावले कुत्ते अपनी मनमानी करने के लिए हम पर चढ़ दौड़े हैं, हमारे सरों पर मौत बनकर खेल गए हैं, अपने तन बदन की हवस को हमारे तन बदन की आग में तब्दील करने में कामयाब हो चुके हैं। अब मजीद चाहते हैं कि हमारे नफ्स के इस बयाबान में कर्ब के आखिरी लम्हात बसा दें। मैं जानता हूँ कि मैं आप लोगों का गुनहगार हूँ, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि तारीख का कर्ज चुकाने की खातिर मुझे थोड़ा सा वक्त दें कि वो दुश्मन जो हमारी सरजमीनों पर हमलावर हुए हैं, जिन्होंने मेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया है, एक बार मैं उनके खिलाफ हरकत में आऊं, और जब मैं इन सरजमीनों को ऐसे लोगों से पाक कर चुकूं तो मैं आपसे वादा करता हूँ, जिस तरह मैं अपनी पेटी और पटका खोलकर आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, मैं अपनी पेटी और पटका दोनों सुल्तान मलिक शाह सुलजोकी के कदमों में डाल दूंगा। जब तक तकीन बोलता रहा अरसलान मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखता रहा, सूरत हाल को भांपते हुए बदरान के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट थी। तकीन जब खामोश हुआ तो उसे मुखातिब करते हुए अरसलान ने कहना शुरू किया, सुन तकीन, अगर तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी सरजमीनों में तबाही और बर्बादी का खेल खेल कर दाखिल हो गए हैं तो हम खून होती सफ़ों, कटती कतारों के अंदर खुदावंद मेहरबान की खबरें बुलंद करते हुए और अपनी फतह खुशहाली के तराने गाते हुए तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारे दुश्मनों को मार भगाएंगे। हम तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारी सरजमीनों में जीस्त का बंजरपन बढ़ाने नहीं देंगे। अगर वो आदमियत की औज और इंसानियत की बुलंदियों को फरामोश करके खौफ का जायका चख चुके हैं तो हम तुम्हारे साथ वादा करते हैं उनकी तदबीर के फौलाद को हम कजा के ढेर तले दफन करके रख देंगे। तकीन, अगर तुम लोग अपनी सरजमीन की आंख का तारा, उम्मीदों का सहारा हो तो हम अपने लश्कर के साथ तुम्हारे दिलों की धड़कन बनकर तुम्हारा साथ देंगे, और हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं कि हमारी तेज सख्त धार तलवारें दुश्मन के लिए चारों तरफ मर्ग के कांटों और शिकस्ते जात का एक कोहराम बरपा करके रख देंगी। तकीन, काशगर का बादशाह और तुम्हारा भाई हमारे सुल्तान का बाजगुजार है, अगर बैरूनी हमलावरों ने उसे सलीब की फैली बाहों के लहू और लपकते शोलों की हौलनाक तबाही से दो चार कर दिया है तो ये समा ज्यादा अरसा नहीं रहेगा। हम दुश्मन को मातम में तब्दील कर देने वाले अजाबी झक्कड़ों की तरह उनके खिलाफ हरकत में आएंगे और तुम्हारे भाई की हुकूमत और सल्तनत उसे वापस दिला के रहेंगे। तकीन, ये मेरा नहीं मेरे सुल्तान मकासिद हासिल करके रहेंगे। तकीन ने अरसलान की तरफ देखा और कहने लगा, जिस वक्त अमीर अरसलान आपने मुझे तलब किया था तो मैं अपने मन अपने दिल में ये सोचकर लरज कांप रहा था कि अपने माजी के किरदार को सामने रखते हुए
मैं आप लोगों से सिर्फ ये उम्मीद रखता था कि आपसे नफरत के अंधे सहल, जुल्म सितम के कोहे गिरा, खाते अंधे जबर और दिल को सुलगा देने वाली सुलग की दोपहर का शिकार होकर रह जाऊंगा। लेकिन आपके पास आने के बाद जिस अंदाज में आपने मुझसे गुफ्तगू की, जो अल्फाज आपने इस्तेमाल किए, इसके रद्देअमल के तौर पर अगर मैं इजहार करूं तो मेरे पास अल्फाज नहीं है। आप मेरे लिए खैर जमाल का मंबा, दिलो जान का करार और फतह नुसरत का मीनार बनकर नमूदार हुए हैं। अगर हम लोग इंसान के बच्चे हुए तो आने वाले दौर में जब तक हमारी रूह जान का सिलसिला कायम है, आप लोगों के मुती और फरमा बरदार बन के रहेंगे। अरसलान कुछ देर तक मुस्कुराता रहा, तकीन को मुखातिब करके कहने लगा, तकीन माजी में जो कुछ हुआ उसे फरामोश कर दो, अब मुस्तकबिल में खैर और भलाई का रास्ता इख्तियार करने का आजम करो। देख, मेरा लश्कर मेरे पीछे अभी तक खड़ा है। मैं चाहता हूं कि जहां मैंने अपने लश्कर को रोका है, यहीं मैं इसे खैमाजन होने का हुक्म दूं। मैं एक बार तुमसे कहता हूं कि अपने माजी को बिल्कुल अपने जहन से निकाल दो। आज शाम का खाना मैं, बदरान, हमारे सालार, तुम और तुम्हारे सालार मिलके और इकट्ठे बैठ के खाएंगे। मैं अपने लश्कर को यहाँ खैमाजन होने का हुक्म देता हूँ, इसके बाद बाकी इंतजामात की देखभाल करते हैं। तकीन ने अरसलान की इस तजवीज से इत्तफाक किया। फिर अरसलान और बदरान दोनों अपने लश्कर को वहाँ खैमाजन होने का हुक्म देकर अपने लश्करगाह के इंतजामी उमूर की निगरानी करने लगे थे। तकीन और उसके सालार भी उनके साथ थे। अगले रोज सूरज तुलू होने के थोड़ी देर बाद सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी, बरसिक और उस्मान जख्बी बाकी लश्कर को लेकर वहां पहुंच गए, और जहां पहले से अरसलान और बदरान अपने लश्कर के साथ खैमा जन थे, वहां लश्कर के दूसरे हिस्से को भी खैमा जन होने का हुक्म दे दिया गया। अरसलान और बदरान ने बेहतरीन अंदाज में वहां सुल्तान का इस्तकबाल किया। दूसरी जानिब तकीन को भी खबर हो गई थी कि सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी बाकी मांदा लश्कर को लेकर वहां पहुंच चुका है, लिहाजा अपने चंद सालारों के साथ वो उस जगह आया जहां सुल्तान अरसलान, बरसिक और बदरान और उस्मान जब के साथ अपने खैमे के करीब खड़ा अपने लश्करियों को खैमाजन होते देख रहा था। जो ही तकीन करीब आया, अरसलान ने उसका और उसके साथियों का सुल्तान बरसिक और उस्मान जक से तारुफ कराया। इस मौके पर तकीन को मुखातिब करके सुल्तान कुछ कहना ही चाहता था कि बड़ी तेजी और सुर्रत के साथ वो हरकत में आया। अपनी तलवार और खंजर की पेटी खोलकर उसने सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी के कदमों में डाल दी। कमर पर बंधा पटका इजहार फरमाबरदारी के तौर पर उतार कर उसने अपने कंधे पर रख लिया था, और गर्दन को पूरी तरह खम करते हुए उसने सुल्तान को मुखातिब किया, सुल्तान मोहतरम, माजी में जो कुछ मैंने किया उसमें कालक के सिवा कुछ नहीं है। इससे पहले मैं अपने माजी के उमूर के मुतालिक अमीर अरसलान से भी माफ़ी मांग चुका हूँ। अब मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि माजी में जो कुछ मुझसे सरजद हुआ है उसे माफ़ कर दें। मैं अमीर अरसलान के साथ अहद कर चुका हूँ कि आने वाले दौर में मैं और मेरा भाई दोनों ही, जब तक हमारी रूह और जान का सिलसिला कायम दायम है, आपके फरमाबरदार और मुती बन के रहेंगे। सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी ने बड़े पुरजोश अंदाज में तकीन और उसके सालारों से मुसाफा किया। उसके बाद बरसिक और उस्मान जक भी ऐसा ही कर रहे थे। फिर सुल्तान ने तकीन को मुखातिब किया, देखो, इसमें कोई शक नहीं कि माजी में हमारे खिलाफ तुमसे बड़ी फाश गलतियां हुई हैं, लेकिन हम उसे फरामोश कर चुके हैं। तुम्हारा भाई काशवर के बादशाह की हैसियत से हमारा बाजगुजार रहा है, हमें खिराज अदा करता रहा है। अब अगर उसके हमसाये उस पर चढ़ दौड़े हैं तो उसके हमसायों से उसकी हिफाजत करना हमारे फराइज में शामिल है। इसी बिना पर समरकंद से निकलकर अपने लश्कर के साथ हम यहाँ औसकंद आए हैं। तुम्हें यकीन दिलाते हैं कि जब तक तुम्हारे भाई की हुकूमत और सल्तनत बहाल नहीं हो जाती, उस वक्त तक औसकंद से हम अपने लश्कर के साथ वापसी का रुख नहीं करेंगे। तकीन बड़ी ममनूनियत के साथ सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी की तरफ देख रहा था, कुछ कहना चाहता था कि सुल्तान फिर बोल पड़ा, मैंने मुकदमत उद्देश और हरावल के तौर पर अरसलान और बदरान को इन इलाकों की तरफ रवाना किया था ताकि वो तुम्हारे साथ मेरे पहुंचने से पहले राबता कायम करें। तुम्हारी आमद से पहले अरसलान तुम्हारे मुतालिक मुझे बहुत कुछ बता चुका है, और मैं रूनुमा होने वाले वाकयात से बिल्कुल मुतमईन और बहुत खुश हूँ। आप, अरसलान और उसके लश्करी रात भर आराम कर चुके हैं। जो लाहे अमल इस वक्त मेरे जहन में है वो ये कि तुम अपने लश्कर के साथ, जबकि अरसलान और बदरान भी अपने लश्कर के साथ हरकत में आएंगे, मुत्तहिदा लश्कर को लेकर काशगर का रुख करो। औसकंद से काशगर की तरफ जाने वाले रास्तों से अरसलान और बदरान वाकिफ नहीं है, तुम पूरी तरह से इनकी रहनुमाई करोगे। जाहिर है तुम्हारी सल्तनत पर हमलावर होने वाले वहशी काशगर से बाहर निकलकर तुम लोगों का मुकाबला करेंगे। दुश्मन से किस तरह निमटना है ये अरसलान खुद ही फैसला कर लेगा, लेकिन तुम सिर्फ काशगर तक इसकी रहनुमाई करोगे। आगे सारे मामलात को समेटने का हुनर और सन्नाई ये जानता है। मैं अपने मुखबिरों और नकीबों के जरिए रूनुमा होने वाले हालात का पूरी तरह जायजा लेता रहूंगा। अगर जंग तूल पकड़ती है या हमलावर छापामार जंग की इब्तदा करते हैं
या वो शहर से बाहर निकलकर मुकाबला नहीं करते। काश अगर शहर के अंदर महसूर हो जाते हैं तो मैं ज्यादा दिन यहाँ कयाम नहीं करूँगा, यहाँ से कूच कर जाऊँगा, काशगर का रुख करूंगा और बैरूनी हमलावरों को ज्यादा दिन काशगर में टिकने की मोहलत नहीं दूंगा। सबने सुल्तान मलिक शाह सुल्जोकी की इस तजवीज से पूरा इत्तेफाक किया। तकीन ने एक बार फिर सुल्तान के इस फैसले पर सुल्तान का शुक्रिया अदा किया। जब सुल्तान के साथ आने वाले लश्कर ने अपनी खैमागाह तैयार कर ली, तब सारे लश्कर ने मिलकर खाना खाया और सुल्तान की तजवीज के मुताबिक अरसलान, बदरान और तकीन अपने लश्कर को लेकर औजकंद से काशगर की तरफ कूच कर गए। काशगर पर हमलावर होने वाले वहशियों ने काशगर के बादशाह और तकीन के भाई को गिरफ्तार करके असीर बना लिया था। शहर पर उन्होंने मुकम्मल कब्जा कर लिया था। जिस जर्रार लश्कर के साथ उन्होंने काशगर पर हमला किया था उसका पड़ाव उन्होंने शहर से बाहर कर दिया था, लेकिन वो ज्यादा दिन तक शहर और उसके गिर्दोनवाह में अपनी मनमानी न कर सके, इसलिए कि उनके मुखबिरों ने उन्हें इत्तला कर दी थी कि सुल्तान मलिक शाह सुल्जोकी समरकंद से निकलकर औजकंद के मकाम पर पड़ाव कर चुका है और ये कि उसका एक सालार काशगर के बादशाह के भाई तकीन के साथ उन पर हमलावर होने के लिए काशगर का रुख कर रहा है। ये खबरें मिलते ही काशगर पर हमलावर होने वाले उन वहशियों ने अपने लश्कर को उस्तवार किया। काशगर से उन्होंने सारा लश्कर निकाल लिया और काशगर के नवा में उन्होंने अरसलान और तकीन का मुकाबला करने के लिए अपने लश्कर की सफ़ें दुरुस्त करना शुरू कर दी थी। अरसलान, बदरान और तकीन भी अपने लश्कर को लेकर वहां पहुंचे और उनके साथ अपने लश्करियों को उस्तवार करना शुरू कर दिया। काशगर पर हमलावर होने के बाद इन वहशियों ने जो सबसे अच्छा काम किया वो ये कि उन्होंने काशगर के बादशाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसे असीरी में डाल दिया। जब अरसलान और तकीन के हमलावर होने की इत्तला पहुंची और वहशी काशगर से निकलकर उनका मुकाबला करने के लिए शहर के नवाह में चले गए तो शहर के अंदर एक इनकलाब रूनुमा हुआ। शहर के लोगों ने जिनकी हमदर्दियां अपने बादशाह के साथ थीं, उन्होंने अपने बादशाह को असीरी से निकाल लिया और रात की गहरी तारीकी में उसे शहर से निकालकर तकीन के लश्कर की तरफ ले गए। उस वक्त तक दोनों लश्कर एक दूसरे के सामने सफारा हो चुके थे, लिहाजा काशगर का बादशाह अरसलान तकीन के पड़ाव में पहुंच गया था। दोनों लश्कर जब अपनी हालत को दुरुस्त कर चुके तब हमलावर होने की इब्तदा वहशियों ने की और बड़े बड़े तिबल की गहरी गूंज में वो अरसलान और तकीन के लश्कर पर जुल्म व तशद्दुद की मेज़ान खड़ी करती हजारहा आतशी बगोलों, जीस्त को फना की बेयकीनी में डालते हवस पेशा घोर अंधेरों और जिस्मों की दहलीज पर बदशगुनी की लहरें खड़ी करते जुल्म के लंबे हाथों की घमंड की तरह हमलावर हुए। इन वैशी हमलावरों का इससे पहले जो पाला पड़ा था वो और किस्म के लोग थे। अब उन्हें मुसलमान लश्करियों और उनके दोनों सालारों अरसलान और बदरान से पाला पड़ा। उनके साथ तकीन ने भी अपने काम की इब्तदा की। पूरा लश्कर अरसलान की कमानदारी में था, दाएं बाएं हिस्सों में उसके नायब की हैसियत से बदरान और तकीन काम कर रहे थे। फिर देखते ही देखते वो पूरा और मुत्तहदा लश्कर अरसलान की कमानदारी में अपनी जवाबी कार्रवाई करते हुए उन वहशियों पर इस तरह हमलावर हुआ जैसे फजीलत व फौजमंदी का बायस बनती फितरत की गजबनाक अंगड़ाई हरकत में आती है, जैसे मर्ग की गहरी खाबनाकी में बेकरा और जाविदा कुव्वतें अपना रंग दिखाती हैं, जैसे हवाओं के बगोलों में हर शय को उड़ाते खाक की तरह बखेरते साहिलों के लाफना पासबान अपने काम की इब्तदा करते हैं। दोनों लश्करों के इस तरह टकराने से कजा की अलगार, दुखों के जाल और फना के सैल हर सू नाच उठे थे। खून आलूद तागूती हाथों में जिंदगी की हर अलामत बेबरगो बेसमर होना शुरू हो गई थी। मन के खूनी रोग और गम की अलगार हर शय से बरसरे पैकार हो गए थे। कुछ देर तक बड़े हौलनाक अंदाज में दोनों लश्कर एक दूसरे से टकराते रहे। फिर अरसलान और बदरान ने अपने मखसूस काम की इब्तदा की। अपने तयशुदा लाहे अमल के मुताबिक पहले उन्होंने फसूखेज अंदाज में खुदावंद कुद्दूस की तकबीरें बुलंद की। इसके बाद उन वहशियों पर अहदे रफ्ता की खूनी दास्तानों से निकलकर गहरी वीरानियों के तमवज, अजनबी वहमों के आईन से निकलकर अजाबों के नकीबों, रकाबतों की साहतों से निकलकर इंतकामी बगोलों के काफिलों और बयाबानों के थल से निकलकर लपकती झपकती कौनती बर्क की तरह हमला आवर होना शुरू हो गए थे। अरसलान और बदरान के ये हमले उन वहशी हमलावरों के लिए नए और नाआशना थे। इससे पहले कभी उन्हें इस किस्म के तंग के तरीक़ेकार से पाला ना पड़ा था। खुद तकीन भी उन्हीं के अंदाज में अपने लश्करियों को हरकत में लाते हुए दुश्मन पर जरबें लगा रहा था। इन तेज हमलों के सामने मौत बड़ी तेजी से चार सू पेच खाती आंधियों की तरह हरकत में आ गई थी। कत्लगाहों का मकरूज मैदान जंग नहुसत भरे लम्हों में अंधी ख्वाहिशों की तपिश में झुलस उठा था।
अब सूरतेहाल ये थी कि नए अंदाज में हमलावर होने के बायस अरसलान, बदरान और तकीन और उनके लश्करी वहशियों पर बड़ी तेजी से बादल, बरखा, मेघ, धूप, सायों, खूनी ताबीरों, ताप के रोग, मौत के सौग, फजा के हुजूम, बेदूर शोलों और अजाबों के हयोलों की तरह छाना शुरू हो गए थे। अब इन वहशियों के लिए अपने दिफा तक महदूद रहना भी मुश्किल हो गया था और वो ये महसूस कर रहे थे कि हमलावरों ने उन्हें खून में डूबी कथा, धड़कनों को आतिशफशां करती तलखियों, संसार कर देने वाली वहशतों, बेजहद कर देने वाले अजाबों और वक्त के बदतरीन तूफान तफेड़ों की तरह अंदर लाखड़ा किया हो। थोड़ी देर तक ऐसी ही कैफियत, ऐसा ही समा रहा, फिर वो वहशी शिकस्त खाकर भाग उठे। उन्होंने काशगर का रुख नहीं किया बल्कि जिस समत से आए थे उधर ही अपनी जाने बचाकर भाग खड़े हुए। अरसलान, बदरान और तकीन ने दूर तक उनका ताकुब करते हुए उनकी तादाद को मजीद कम किया। इतनी देर तक पड़ाव की हिफाजत पर जिन दस्तों को अरसलान ने मुकर्रर किया था उन्होंने वहशियों के पड़ाव की हर चीज पर कब्जा कर लिया था। अरसलान, बदरान और तकीन ने जब देखा कि वहशी हमलावर अब उनके लिए किसी खतरे का बायस नहीं बन सकते तो उन्होंने ताकुब तर्क कर दिया और उस जगह आए जहां उनके साथ खौफनाक जंग हुई थी। इतनी देर तक अरसलान के दस्तों ने दुश्मन के पड़ाव की हर चीज को अपने पड़ाव में मुंतकिल कर लिया था। जिस वक्त लश्कर के करीब वापस आया तो उस जगह तकीन रुक गया। उसे रुकते देखकर अरसलान और बदरान ने भी अपने घोड़ों को रोक लिया। फिर तकीन अपने घोड़े से उतरा और अरसलान की तरफ देखकर कहने लगा, अमीर अरसलान, ये सामने मेरा भाई और काशगर का बादशाह खड़ा है। तकीन इससे आगे कुछ ना कह सका इसलिए कि अरसलान और बदरान दोनों फौरन अपने घोड़ों से कूद गए, आगे बढ़े। काशगर के बादशाह ने अपने बाजू फैलाते हुए बारी बारी उन्हें अपने साथ लिपटाकर उनसे बेहतरीन और पुरजोश अंदाज में मुआनका किया। फिर सब मिलकर पड़ाव में आ गए। जख्मियों की बेहतरीन देखभाल की गई। इसके बाद सारे लश्कर के खाने का एहतमाम किया गया। फिर एक जगह अरसलान, बदरान, तकीन और काशगर का बादशाह बैठ गए और काशगर के हुक्मरान ने अरसलान को मुखातिब करके कहना शुरू किया, मेरे अजनबी मेहरबानों, इससे पहले मैं खुल के तुम लोगों के साथ गुफ्तगू नहीं कर सका। जख्मियों की देखभाल होती रही, खाने का एहतमाम होता रहा। गो जिस वक्त तुम मेरे भाई के साथ दुश्मनों को शिकस्त देने के बाद लौटे थे तो मैंने तुमसे मुआनका करते हुए तुम्हारा शुक्रिया अदा किया था। मैं समझता हूँ शुक्रिया के वो अल्फाज नाकाफी और अधूरे थे। मेरे अजीज, हमारे सरजमीनों को बल खाते अंधे जबर, जहरीले लम्हों और अलम गुजीदा लम्हात ने अपनी लपेट में ले लिया था। तुम लोगों ने मायूसी की घटाओं से निकालकर हमें शऊर की जो अता की, आग और खून के गर्दबाद से निकालकर ख्वाहिशों का जमाल अता किया। मैं आप लोगों के सिपाहियाना वक़ार को सलाम करता हूँ। आप लोग हमारी धरती पर उम्मीदों के सितारे और हमारी समाद के लिए नगमा और जमजमा साबित हुए हैं। अब जबकि आपने हमारे दुश्मन को बदतरीन शिकस्त देते हुए मार भगाया है तो मैं आप लोगों के साथ औसगंद की तरफ जाऊंगा, जहां सुल्तान मलिक शाह सुलजोकी ने क्याम कर रखा है। सुल्तान की खिदमत में हाजिर होकर मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा और आने वाले दौर में अपनी फरमाबरदारी, अपनी इताअत का उन्हें यकीन दिलाऊंगा। काशगर का बादशाह मजीद कुछ कहना चाहता था कि बड़ी अकीदत का इजहार करते हुए अरसलान कहने लगा, मेरे ख्याल में आप हमारी शुक्रगुजारी के तौर पर कुछ ज्यादा ही अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी कारगुजारी इतनी तवील नहीं जिस कदर तवील आप शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जो कुछ होना था वो तो हो चुका है, इसलिए बकौल हमारे सुल्तान के ऐसा करना हमारे फराइज में शामिल था, क्योंकि आप हमारे सुल्तान को खिराज अदा करते रहे हैं। मेरे ख्याल में अपने पड़ाव की खबरगिरी करनी चाहिए, जख्मियों की देखभाल भी होनी चाहिए। तकीन और उसके भाई दोनों ने उससे इत्तफाक किया। इसके साथ ही मुत्तहिदा लश्कर को वहां पड़ाव करने का हुक्म दे दिया गया था। चंद रोज वहां कयाम किया गया। इसके बाद लश्कर औसगंद की तरफ कूच कर गया था। अरसलान, बदरान, तकीन और उसके भाई को लेकर जब औसगंद में उस जगह आए जहां सुल्तान मलिक शाह सुलजोकी ने कयाम किया था तो सुल्तान ने अपने अमायदीन के अलावा अपने सालारों के साथ काशगर के बादशाह और उसके भाई तकीन का बेहतरीन इस्तकबाल किया। सबको सुल्तान अपने खैमे में ले गया। इस मौके पर मलिक शाह सुलजोकी काशगर के बादशाह को मुखातिब करके कुछ कहना चाहता था कि काशगर का बादशाह बोलने में पहल करते हुए सुल्तान को मुखातिब करके कह रहा था, सुल्तान मोहतरम, आपका रवैया हमारे लिए ऐसा नाकाबिले फरामोश है जिसे आने वाली हमारी नस्लें भी एक गिरा एहसान के तौर पर याद रखेंगी। सुल्तान मोहतरम, वैशी उजड़े आंगनों के सौदागर बनकर हमारी धरती में दाखिल हुए थे। एहसासात और लताइफ जज्बात को उन्होंने खूनी अल्फाज के गिरदाब में तब्दील करना शुरू कर दिया था। हर ख्वाहिश को उन्होंने आड़ी तिरछी फजा की लकीरों में तब्दील किया। जिस्म जान को धुआं धुआं और हमारे जमीन को जर्द, मदकूक और सूखी बंजर बनाने का तहिया कर लिया था। आप हमारे यहाँ सितारों के काफिले, चाहतों का संदेश बनकर दाखिल हुए।